Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing well. Today we will learn more about simple past tense. As I have sent you detailed video regarding simple past tense earlier. Now we will do exercise on your workbook. So please open your page workbook 33. Here we go. Okay. As you know कि मैंने पहले थोड़े से पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में समझाया था. पहले डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हुई हूँ. वो आप अपना लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको इसको डिटेल वीडियो आ जाएगी. अब हम देखेंगे कि हमने इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है. सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हम थोड़ा सा इसको एक रिव्यू कर लेते हैं इसका. सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इट शोज सम एक्शन वर्क डन इन द पास्ट. कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो आप पास्ट में करते हैं वो आपका पास्ट टेंस में चला जाता है. आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने कल एक सेब खाया था. सब्जेक्ट, अच्छा फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है, हाउ यू विल मेक अ सिंपल पास्ट टेंस. हर चीज़ जो आप बनाते हैं उसकी एक रेसिपी होती है, एक फार्मूला होता है, एंड यू हैव टू फॉलो द फार्मूला. आपने उसको फार्मूले के साथ आपने लेके चलना है और आपने उसके रिगार्डिंग आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बिल्ड होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑब्जेक्ट, क्या तीन चीज़ें इसके अंदर चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यू हैव टू यूज़ द वर्ब्स सेकेंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है वर्ब की. ऑब्जेक्ट उसके साथ आपका आ जाएगा तो आपका सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा. अच्छा, अब इसमें है एक चीज़ कि नेगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ नेगेटिव सेंटेंसेस उसका आपने स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है. कैसे चेंज हो जाता है, उसके अंदर हम ये हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं डिड. उसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डिड लगता है. जब हम उसके साथ डिड लगाते हैं तो वी ऑलवेज यूज अ फर्स्ट फॉर्म विद डिड, क्योंकि डिड खुद भी एक सेकेंड फॉर्म है. इस वजह से डबल सेकेंड फॉर्म हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते. सो डिड विल चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. इसकी एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ. आई डिड, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल. I did not eat an apple. इसके साथ अब देखेंगे आप, इसकी फॉर्मेशन देखिएगा. नीचे इसकी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक, एक और एग्जाम्पल इसकी देखिएगा. शी डिड नॉट डू हर वर्क. अब जब हमने यहां पर डू लगा दिया, क्यों, क्योंकि वी हैव यहाँ पे हमने पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो ये वाली जो फॉर्म है ये हमारी चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज. जिस तरीके से ये यहाँ पर डिड था, हमने यहाँ पे ईट कर दिया इसको. अब इन इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, डिड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. हम क्या करते हैं कि जो डिड हमारे पास होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं. इसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं. डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब जो आपके पास डिड है, जो आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट में ले आना है क्वेश्चन के तौर पर. डिड शी डू हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क किया. और सबसे जरूरी चीज, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यू हैव टू मैंशन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज. इफ यू विल नॉट डू दिस, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. इसको हम क्रॉस कर देते हैं और इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. फर्स्ट में लेकर आएंगे तो फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल लेटर. नीचे इसको अब जो चीज़ आपको थोड़े से ऊपर से रिव्यू दिया था उसकी आप एक्सरसाइज देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइज क्या है. वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर सिंपल पास्ट टेंस. क्या हम यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट. जो सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट फॉर्म चेंजेस, पास्ट फॉर्म चेंज हो जाती है किसके अंदर, इनटू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर पास्ट फॉर्म आपकी चेंज हो जाती है. तो ये हमारा पेज नंबर 33 था. होप यू आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी इसकी. और अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप जो मेरे दूसरे वीडियो लिंक्स हैं उनको देख के समझ सकते हैं. थैंक यू.